इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में अनाज मशीन के गिरे हुए पट्टे को चलाते समय दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें युवक की मशीन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 1.5 साल पहले ही कंपनी में मास्टर कर्मी के रूप में नौकरी पर मृतक लगा हुआ था। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र स्थित छावनी अनाज मंडी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहाँ आई के इंटरप्राइजेस नामक कंपनी में काम करने के दौरान मशीन का पट्टा चढ़ाते हुए नानकराम निवासी पालदा नाका का रहने वाला 55 वर्ष के व्यक्ति की अचानक से मशीन की पट्टे में चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अन्य कर्मचारियों का कहना है कि कई बार बताया जाता है कि मशीन को बंद करने के बाद ही मशीन का पट्टा चढ़ाया जाए, उसके बावजूद भी मशीन चालू करके पट्टा चढ़ाने के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसी कारण से उनकी मौत हुई। फिलहाल हादसे के तुरंत बाद नजदीकी पुलिस थाना को सूचित कर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहकर्मियों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भिजवाया गया और जांच शुरू की गई है। घटनाक्रम अभी सुबह करीब 10 बजे के आसपास। क्या हुआ था एकदम? पता नहीं, मैं ऊपर कपड़े, मैं भी मशीन में काम करता था, मैं ऊपर कपड़े आया था और मैंने कपड़े बदलने गया था, मैं कपड़े बदल रहा था तो ये नीचे कोई काम वाम कर रहे थे, जाम वाम कुछ खोल रहे थे और ये चालू मशीन में क्या हमेशा पट्टा चढ़ाता रहता। मैं बोलता रहता भैया चालू मशीन बंद करके पट्टा चढ़ाया कर, तो वो सुनता नहीं, तो बोले मेरे को सब आता है, बोले यूँ करके वो चालू मशीन में पट्टा चढ़ाने के चक्कर में आ गया एलिवेटर। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र होगी करीब 55 से 60 साल। पचपन से साठ काम कर रहा था आपके साथ? इनको करीब हो गया करीब 1.5 साल करीब आस पास। हाँ, यही काम करते थे ये भी आपके साथ में? हाँ, मशीन का ही काम कर, मशीन चलाने का। हाँ, मास्टर थे भी और मैं भी मास्टर, वो भी मास्टर। नाम बताओ। मेरा नाम संतोष यादव। उनकी लापरवाही है। अब मशीन का काम तो वही, वो जब चढ़ाने गए मैं तो था ही नहीं, मैं ऊपर मेरे कपड़े बदल आया था सही, मैंने कपड़े भी नहीं पूरे बदले, में ऐसे कैसे था, और बस वो उन्हें आवाज़ आई तो मैं एकदम से नीचे आया तो देखे तो ये तब तक नीचे की मशीन तो बंद कर दी थी, ऊपर वाली मशीन अलग अलग बटन उन्होंने, तो ऊपर वाली मशीन मैंने आके बंद करी, नीचे वाली मशीन और दो काम करने वाले थे उनने कोई ने बंद कर दी मशीन। अब वो तो क्या पट्टा ऊपर से गिरा उसमें लपेट में आ गया वो, अब मशीन तो चालू कोई वो आस रखती क्या? मतलब इसके पहले भी हो चुके हैं हादसे? नहीं, ऐसे कुछ हादसे नहीं हुए कभी। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को करीब हो गए 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से यही पैसे पर मैं काम कर रहा हूं। हाँ, यही काम करता हूँ। आज दिनांक को थाने पर फोन से सूचना मिली थी जिस पर तस्दीक हेतु यहाँ पर उपस्थित हुआ, जिसमें मृतक जो है नानक राम पिता भगवान मलगाया, उम्र 45 वर्ष, निवासी 342 शिव पार्वती नगर पालदा नाका का रहने वाला है, जो कि ये आई की प्रिंट इंटरप्राइजेज अनाज मंडी में अनाज की छानने वाली मशीन पर काम करता था, चलाने का काम करता था, जिसका मशीन को चलाने के दौरान हादसे में डेथ हुई है। बाकी कार्रवाई चल रही है। प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि मशीन चलने के दौरान पट्टे की चपेट में आने से उसकी डेथ हुई है। कौन है इसके मालिक और क्या मालिक और कौन कौन मौजूद था इस समय? मालिक का भी क्लियर नहीं हुआ है, जांच का विषय है, सारे बयान लिए जा रहे हैं लोगों के। मालिक इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं था। जो हमाल लोग और जो मुनीम थे उन्होंने बताया है कि मशीन चलाने के दौरान ही पट्टा उतर गया था, जिसको चढ़ाते वक्त ये हादसा हुआ है, चपेट में आ जाने से इसकी डेथ हुई। कि किसी तरह की कोई दुर्घटना के कारण का कुछ जानकारी? जांच का विषय अभी जांच में ले रहे हैं और जांच में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग वैधानिक कार्रवाई करेंगे आगे के लिए। अभी तो प्राथमिक पूछताछ में इसको हादसा बताया जा रहा है, बाकी जांच चलेगी जैसा रहेगा।